श्री राधे कृष्णा आज भाद्रपद अष्टमी तिथि भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव के मैं अपने संस्थान गौरी शंकर सेवा संस्थान की तरफ से और पर्सनली अपनी तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देती हूँ कि ये दिवस हमारे जीवन में जब आता है तो हम भगवान का महोत्सव मनाते हैं। अपने लिए तो महोत्सव लोग मनाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति जो महोत्सव मनाया जाता है वास्तव में उत्सव वही होता है। तो भगवान का असली स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम् नमः। सच्चित और आनंद जिसका स्वरूप है और तीनों तापों को जो नष्ट करने वाला है, मैं ऐसे परमात्मा का चिंतन और नमन करते हैं। सत मायमय सत्य में है, सत्यमय है। चित मायमय मौन, जो बिल्कुल मौन है, शांत है, फिर भी है, फिर भी उसकी ध्वनि ब्रह्मांड में है, हर शब्द में है, जबकि मौन है। आनंद, जब भी हमारे हृदय में आनंद का जो भाव उमंग जो उठती है, आनंद माने हर्षोल्लास, आनंद माने सुख में दुख में अच्छे में बुरे में जो आनंद में रहता है, ये ज्ञान है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये परमात्मा की प्राप्ति के तीन साधन हैं। भक्ति परिपक्व जब हो जाती है तो विरक्ति यानी वैराग्य प्राप्त हो जाता है, और जब वैराग्य पूर्ण हो जाता है तभी ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है। सत चित और आनंद ये उनका स्वरूप है, ये तीनों उनके स्वरूप है। जो सत्य में रहता है, जो मौन है, और ऐसा साधक जो मौन रहता है, बोलता कम है, कम ही उत्तर दो संसार का, और आनंद में रहो, आनंद में भी भूल रहो, जिसे प्रभु प्राप्ति हो जाती है सो सदैव आनंद में रहता है। यह हम खुद को भी चेक कर सकते हैं। तो ये सुंदर सा संदेश आप सभी को आज इस पावन तिथि पे और श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक है। प्रथम श्लोक का निरूपण ही परमात्मा का स्वरूप दर्शाया गया है। मैं प्रयत्न करूंगी कि मैं 18,000 श्लोकों की व्याख्या में जो भी उत्तर भक्ति ज्ञान वैराग्य का आएगा, मैं आपको 18,000 श्लोकों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। आप संस्थान के इस चैनल को जो भी मेरा संदेश सुनते रहे, श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् देवी भागवत में, श्री महापुराण रामायण में, जो भी ज्ञानमय परमात्मामय शब्दावली कही जाएगी उसमें कहीं ना कहीं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो अधिक ना कहकर आज महोत्सव की ये पुण्य तिथि है। देखिए, एक भाव यहाँ ये भी प्रकट होता है कि परमात्मा भाद्रपद की अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि को प्रकट हुए हैं। और कहाँ हुए हैं? कथा तो आप सुनते ही हो, जानते ही हो, पढ़ते ही हो, तो कारागार में और देवकी और वसुदेव जी जिस समय बंधन में है, कंस की बंधन में है, कारागार में है, तो जो जीव भक्ति कर रहा है
वो बहुत बड़ी बंधन में, बहुत बड़े संकट में आ जाता है, बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाता है, अगर वो तब भी परमात्मा को भजना ना छोड़े, निरंतर परमात्मा को भजता रहे, तब जाके प्रभु प्रकट हो जाते हैं। ये संदेश है कि हमें हारना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, तो परमात्मा का स्वरूप हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है। तो आइए आज इस महोत्सव के दिवस पर, इस पुण्यतिथि पर आइए हम सभी इस तरह से गुनगुनाएंगे। आज बधाई बजे नंद भवन में, आज बधाई बजे नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में, आनंद भवन में, आज बधाई बजे नंद भवन में, आज बधाई बजे नंद भवन में, नंद भवन में, आनंद भवन में, आज बधाई बजे नंद भवन में, नंद के आनंद भयो जय किशोरी लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, आज आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आज तो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, आज आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आज के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप सभी इसी तरह से महोत्सव मनाते रहे और इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्याम।